रंगरा में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया गया स्वागत। रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग चौक पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। यहां पर कार्यकर्ताओं का नेतृत्व जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह कर रहे थे। भागलपुर से पूर्णिया जाने के क्रम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ही रंगरा चौक पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने फूल माला देकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती, शाहिद रजा, जिला प्रवक्ता रवि कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। रानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। तड़तिया इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। संजीव कुमार बने संत विनोबा उच्च विद्यालय तिनटंगा के हेडमास्टर। जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के आदेश के आलोक में शिक्षक संजीव कुमार को संत विनोबा उच्च विद्यालय तिनटंगा का हेडमास्टर बनाया गया है। संजीव कुमार ने निवर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक सियाराम जायसवाल से हेडमास्टर का प्रभार लिया। संजीव के हेडमास्टर बनाए जाने पर ग्रामीणों में खुशी है। इसका कारण यह है कि संजीव ने इसी विद्यालय से पढ़ाई की है। प्रभार हस्तांतरण के समय रंगरा प्रखंड के वरीय साधन से भी मुकेश मंडल भी मौजूद थे। रंगरा पीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं को बैठक कर दिया गया आवश्यक निर्देश। रंगरा पीएचसी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार के नेतृत्व में आयोजित बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जानकारी देते हुए डॉक्टर रंजन ने कहा कि अब सीनियर सिटीजन का कोरोना वैक्सीनेशन होना है। इस संदर्भ में आशा कार्यकर्ताओं को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी आशा कार्यकर्ताओं को अपने संबंधित क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखने का भी निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर रंजन कुमार, धर्मेंद्र कुमार ओझा, श्वेता कुमारी, सुधीर कुमार, रंजीत कुमार की मौजूदगी देखी गई। सड़क दुर्घटना में लोजपा जिलाध्यक्ष का वाहन चालक घायल, स्थिति गंभीर, बेहतर इलाज के लिए मायागंज जिला अस्पताल रेफर। रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर टावर चौक के पास मंगलवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक अज्ञात ट्रक के धक्के से मोटरसाइकिल सवार मुरली निवासी नरेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल नरेश को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार नरेश नवगछिया के लोजपा जिलाध्यक्ष विभांशु मंडल का चालक है। यह भी जानकारी मिली है कि मंगलवार को देर रात वह मोटरसाइकिल से नवगछिया से वापस अपने घर को जा रहा था। भवानीपुर टावर चौक के पास अज्ञात ट्रक के धक्के से वह असंतुलित होकर मोटरसाइकिल से गिर गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। देर रात खबर प्रसारित किए जाने तक घायल नरेश की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।